तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी ये कुछ सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो इस वीडियो में भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे, अभी देखिए। इसमें हमने बोला हुआ है कि दो फोर्सेस है ऐसे पी और क्यू, और उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अभी जो छोटा फोर्स है वो है 10 किलो न्यूटन का, और हमें यह बोला गया है कि 10 किलो न्यूटन के फोर्स में और रिजल्टेंट के बीच में 70 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि ये सब डेटा दिया है कि दो फोर्सेस, ये छोटा वाला फोर्स 10 किलो न्यूटन का, और इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल है 120 डिग्री, और पी और आर के बीच में जो छोटा फोर्स है और रिजल्टेंट के बीच में आपका 70 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स एंड द रिजल्टेंट, ठीक है। तो लार्जर फोर्स मतलब क्यू और रिजल्टेंट के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो पहले तो हम ये बोलेंगे कि हमें ये फॉर्मूले मालूम है। मान लीजिए कि ये Q और R के बीच में जो एंगल है उस एंगल को मैं नाम देता हूं बीटा, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले, कौन से दो फॉर्मूले, जैसे कि हमने देखा था वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में ऐसे थे, वो एंगल के फॉर्मूले ऐसे थे, देखिए ऐसे थे कुछ, ठीक है। टैन बीटा और टैन, सॉरी ये कुत्तों की आवाज आ रही है तो भाई सॉरी यार उसके लिए। तो अगर ये एंगल दो एंगल के दो फॉर्मूले थे तो यहां पर हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है, टैन बीटा और टैन बीट अल्फा के। तो यहां पर हम टैन अल्फा कैसे लिख सकते हैं, टैन अल्फा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टैन अल्फा किस कौन से दो एंगल के बीच में एंगल है, कौन से दो फोर्सेस के बीच में एंगल है, आर और पी। तो हम पी को अकेला छोड़ेंगे और क्यू के साथ साइन थीटा और साइन कॉस थीटा हम लगाएंगे। तो सॉरी ये कुत्तों की आवाज अभी भी आ रही है पर मैं कुछ नहीं कर सकता उनका, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे अपन, क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा प्लस पी, ठीक है, हम ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक फॉर्मूला है अपने पास, वो है टैन बीटा का। टैन बीटा का फॉर्मूला कैसे आता है, अभी यहां पर मुझे बीटा चाहिए, तो बीटा चाहिए तो बीटा मतलब किसके साथ एंगल है, क्यू और आर के साथ एंगल है। तो क्यू के साथ एंगल है तो हमें क्यू को अकेला छोड़ना है और पी के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना है। तो पी के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा लगा दो तो आपका आंसर मिल गया। तो अभी मेरे पास कुछ इस तरह से एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये पूरा एंगल 120 डिग्री है और इसमें से ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है और ये एंगल मेरा बीटा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हुई, बराबर 120 माइनस 70, तो 120 माइनस 70 विल बी 50, तो बीटा विल बी 50। तो अपन ये लिख सकते हैं कि कॉट बीटा, अभी कॉट बीटा चाहिए तो मैं उसका उल्टा कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे। तो और कॉट बीटा अपने पास है, कॉट बीटा की क्या है, बीटा मतलब बीटा की वैल्यू क्या है 50, तो बीटा की वैल्यू 50 है तो कॉस 50, और पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 10 और थीटा की वैल्यू क्या है 120, तो वही लिख दो 120, ओके। तो अपने को यहां से क्यू की वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती है, थोड़ा सा आप जंबल्ड अप कर लीजिए इसको, यहां पर लेके जाइए ये कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो क्यू की वैल्यू आपको मिल सकती है, वो है वैल्यू 12.267 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपको क्यू की वैल्यू यहां से डायरेक्टली मिल गई, इस फॉर्मूले से आपको क्यू की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, आप यहां पर अल्फा की जगह पर क्या लिख देते 70 और क्यू पी की जगह पर क्या लिख देते 10 और यहां पर थीटा की जगह पर क्या लिख देते 120, पर वहां पर भी आपको आंसर तो मिल जाता पर आपका आंसर थोड़ा सा आने में लेट लगता, जरा देर लगती है आपको,
पर यहां पर ये फॉर्मूला यूज करने की वजह से क्यू के साथ कोई भी और नहीं है तो आपको आंसर फटाफट से मिल सकता है। ठीक है, तो यही था इस फॉर्मूले का खासियत कि आपको एग्जाम में भी ऐसे फटाफट से कुछ भी आपको हैक्स लगाने हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्यू निकाल लिया, अभी अपने को आर चाहिए। आर कैसे फाइंड आउट करें? बराबर आर अपन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका ये कहता है कि जैसे दो फोर्सेस जब आप टेल टू टेल लगा देते हो, मतलब ऐसे टेल टू टेल लगा दिया मैंने फोर्सेस को, तो उनके बीच अगर एंगल थीटा है, दो फोर्सेस अगर टेल टू टेल लगाए हैं और उनके एंगल, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अपन उसके बीच में जो भी आर आएगा, जो भी आपका आर आएगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम के वीडियो में बताया नहीं था डायगोनल होगा वो, पर उस वीडियो में मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, तो आई होप कि आपको ने वो पढ़ा, आपने वो पढ़ा होगा। तो आर की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, तो यही लिख देते हैं। आर की वैल्यू आती है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए ये सभी वैल्यूज, पी की वैल्यू 10 है, यहां पर इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, और ठीक है, तो आपने, मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो आपको आर की वैल्यू मिल सकती है यहां से, आपकी आर की वैल्यू आएगी 11.306 किलोन्यूटन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यहां से मिल गया, ये फॉर्मूला लगाना आपको, ये आर की वैल्यू यहां से मिल गई और फिर बाद में ये इतना हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो और आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पैरेललोग्राम का एंगल का फॉर्मूला लगाया, और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपको पैरेललोग्राम का लॉ मालूम है कि पैरेललोग्राम का लॉ क्या था, कि पैरेललोग्राम का लॉ है कि दो फोर्सेस को अगर टेल टू टेल लगा दिया और उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे आता है। ठीक है, तो उस डायगोनल की वैल्यू आती है, वो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो में बस इतना ही था कि ये कैसे फाइंड आउट करें कि क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, इस चैनल का नाम है इंजीनियर्स इनर्शिया, और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू।